नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यह खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी है। क्या हरियाणा में कोई राजनीतिक भूचाल आ सकता है? क्या कोई जेजेपी में तोड़फोड़ कर रहा है? तो फिर जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर क्यों आग बबूला हो रहे हैं? अभी हरियाणा में सरकार का गठन हुआ जुम्मा कुछ हफ्ते ही बीते हैं। अभी हरियाणा सरकार कामकाज को लेकर हरकत में आई है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोबारा हरियाणा को संवारने में जुट गए हैं, तो वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी लगातार देर रात तक प्रदेश के सिस्टम को संभालने में जुटे हैं। हरियाणा सरकार अभी कामकाज को लेकर हरकत में आई ही थी कि अचानक जेजेपी के नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम अचानक फूट पड़े। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह डाली कि जिससे एक बारगी हरियाणा की राजनीति में मानो तूफान आ गया। अटकलें लगाई जाने लगी कि रामकुमार गौतम की तरह जेजेपी के अन्य विधायक भी प्रखर हो जाएंगे, क्योंकि देवेंद्र बबली का नाम भी अचानक शुमार होने लगा। लेकिन चौहाना के विधायक देवेंद्र बबली ने जब ये कहा कि विधायक रामकुमार गौतम के बयान उनके निजी विचार हैं और वह दुष्यंत चौटाला के साथ हैं, तो यह भूचाल सिमट गया। हालांकि आज अधिकांश जेजेपी विधायकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पार्टी के साथ खड़े हैं। बरवाला के जेजेपी विधायक जोगी राम सिहाग ने तो यह तक कह डाला कि रामकुमार गौतम का बयान उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने उन्हें चुनावी टिकट दिया है, इसके लिए वह उनके एहसान मंद रहेंगे। यह तो अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि जननायक जनता पार्टी के विधायक नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम से इत्तेफाक नहीं रखते। अब रामकुमार गौतम एक तरफ तो यह बोल रहे हैं कि वह इस बार चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन दुष्यंत उन्हें घर पर आकर टिकट दे गए, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। यानी रामकुमार गौतम स्वयं मान रहे हैं कि उन्हें विधायक बनाने वाले दुष्यंत चौटाला ही हैं। फिर विधायक रामकुमार गौतम यह कहकर मुझसे पाप हो गया है और हम जैसे बेवकूफ बन गए और अब मैं पार्टी में नहीं रहूंगा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यह हम आपको जरूर समझाएंगे। यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं विधायक रामकुमार गौतम का वह ताजा बयान जिसमें उन्होंने आखिर किसे मोहम्मद गजनबी कहा। पहले आप यह सुनिए, फिर हम आपको ले चलेंगे दुष्यंत चौटाला के पास कि वो क्या कह रहे हैं। राष्ट्रीय तो पार्टी नहीं, राष्ट्रीय के है ये पार्टी, हरियाणा की भी नहीं है भाई ये पार्टी। 5-7 जिला की मारे जैसा ने बेवकूफ बना के ये बन गए है, सौदा कुछ नहीं। आप यूं देखिए ना कि जहां के रहने वाले हैं उन्होंने इनको परख लिया, पहचान लिया जी। वहां तो कुछ 4-5 हजार वोट मिले इनके उम्मीदवारों को, कोई सौदा सप्टा है ही नहीं, वो जानते हैं। लेकिन इसको समझना चाहिए था बावड़े आदमी, तू इतना घटिया काम करने लग रहा है। अरे अनूप दानिक तो तुम्हारा घर का था बेचारा, शुरू से साथ दिया है, गरीब बरादरी का था, उसको भी तुमने मंत्री नहीं बनाया, उसको स्टेट मिनिस्टर बना दिया। आर्कोलॉजी म्यूजियम, डांस करो, बेंजू बजाओ, गढ़वा पिट्टो, व्हाट इज दिस? कितनी बड़ी बेचारे गरीब बरादरी की बेइज्जती करी है, तौहीन की है उसने। अरे भले आदमी 11 डकार रहे, एक तो दे दे इसको, उसकी भी तौहीन की, और किसी को छुआ नहीं। क्या समझते हो बाकी कोई ऐवे हैं? मेरा अपना आधार है, मेरी वजह से ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हम सब की वजह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, सब ने कंट्रीब्यूट करा है इसके। जोगीराम है हमारे पड़ोस के हल्के से बने, बहुत बड़ा दानी आदमी है, उसका अपना वजूद है। और ये देवेंद्र बबली है, पिछली बार 35-36 हजार तो आजाद थे उसके, बिल्कुल थे जी। उसका अपना वजूद है जी। वो लड़का बाल्मीकों का है रामनिवास, बहुत पढ़ा लिखा काबिल लड़का है जी, फाइनेंशियली भी बहुत वेल ऑफ है, उसका भी कुछ वजूद है। ईश्वर सिंह तो पहले भी MLA रह लिया, SC ST का चेयरमैन था सारे इंडिया का, HPSC का मेंबर रह लिया, उसका खुद का भी वजूद था। और अब ये जो क्या नाम है उसका, काला जी। काले के तो घर घर में 2-3 जिला परिषद के मेंबर हैं, इसके तो कोई है ही नहीं वोट वहां, वो तो उसकी कांग्रेस की टिकट कट गई उसने भैया, इसका गला मंगलवा लिया।
और सुनो जी, ये तो हमारा काल था बुढ़ापे में, हमारी अक्ल खराब कर दी छोरे ने, कुछ भगवान है करड़िया भाई, वक्त करे नर के करे, वक्त बड़ा बलवान है। अर्जुन का पहिया बोले भीलो ने रोके, भगवान ने हमारी शायद बोल दे रही थी, अरे इस गली में जाने का कोई सेंस नहीं थी हमारी, में तो लोगों को शिक्षा दिया करता, कुछ लोग खुद एमएलए के लिए हरियाणा का बीज मरवा देते हैं, आई एम वन ऑफ देम, मैं महापापी आदमी हूं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरा एमएलए बनना सत्यानाश का काम हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं बचा, अरे ऐसे पाप को जन्म दिया है मैंने, उसमें भागीदार हूं मैं, सोदा की था यो, बहुत बड़ी बेवकूफी की, अरे मैं तो बेवकूफी हमेशा से ही करता आया हूं, मैं सोचता ही नहीं कुछ भी, अब की बार तो मेरा मन नहीं था, खुद घर आके मेरे को टिकट दे गए, घर आके शामिल करा पार्टी में, छोरे ने मेरे भाई हर आदमी औलाद का आगे बेबस है जी। कोई बस नहीं चलता जी। पहले कांग्रेस छोड़ गया जब एमएलए बनन का वक्त था, अपनी पार्टी बना ली, बड़ा घमंड था मैंने अपने आप पे, सर्वजन कल्याण मोर्चा और रागनी गार ते छोरे बोला राज करेगा डटकड, और राज में फाका ही नहीं, बुरी तरह जमानत जब्तें कराई मैंने, और उसके बाद फिर जब बीजेपी में मेरी पूरी इज्जत थी जी। सिर्फ ये छोरे लग जाएंगे भाई काम बन जाएंगे, सत्यानाश करा लिया, रही सही कसर फिर पार्टी ने खराब कर दी, चौटाले से उससे समझौता कर लिया जो पहले इस पार्टी को के साथ धोखाधड़ी करके सत्यानाश कर चुका था, उसके साथ समझौता कर लिया, गलती तो सारी मेरी थी, अगर मैं संघर्ष करता और नहीं मिलता, काम के चक्कर में नहीं पड़ता भाई, गाली दे लेते लोग यूं कहते थे हल्का खाली रह गया, वो मेरे मन में एक टीस थी भाई, रोजगार खूब दिलाऊं, खूब काम कराऊं जी, उस वजह से गलती करके, अगर मैं संघर्ष करता तो हुड्डा साहब का राज भी 5 साल बढ़िया चले, बहुत देख के चलता, बहुत सोच के चलता, अगर मैं विरोध करता तो बहुत बड़ी बेवकूफी की मैंने, और मैं टिकट बांटनिया में था, विधायक दल का नेता था मैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर था मैं, मेरा किसी से प्रेम नहीं है, मैं तो ईमानदारी से कहता हूं, मैं तो 36 बिरादरी को पसंद करता, प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं हरियाणा में हमेशा वो सरकार बने जो सरकार सबको सबका हक दे, किसी का हक खाया ना जाए, मेरा किसी से प्रेम नहीं है, किसी से नफरत नहीं है। इन्होंने, इनका एक फंडा था जी कि भाई जितने बड़े जाट नेता हैं उन सबको खाओ, किस तरह खा सकते हो जरूर खाओ जी। इन्होंने कैप्टन के बारे में सारा सर्वे करवाया, ये हारे कैसेगा, रिश्तेदार तो पहले भी था ये जी, इसका मोसा लग गया, ये दोनों साडू हैं, अजय चौटाला और कैप्टन अभिमन्यु जी, पर वो उस वक्त वो खाना था उनने, सारे पता करा के सर्वे करा के पता कर लिया कि राम कुमार गौतम हरा सके है, उसका खुद का वजूद है, उसका खुद का वजूद है, तो उन्हें मेरे को पागल बना दिया, मूर्खता तो मेरी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकते थे, लेकिन भाई हालात ऐसे बन गए मेरा बस नहीं चला। उसके बाद उसको खाने के बाद फिर वो हुड्डा कैसे मरे मैंने कहा था, मगर दिग्विजय ने क्यों खड़ा कर रहा है जी, और किसी ने खड़ा कर ले, युवला दिग्विजय के बिना हरे ही नहीं हो भूपेंद्र हुड्डा जी, मैं कहा अपना जीत दे, जीत के लिए लड़ाना चाहिए, किसी को हराने के लिए थोड़ी लड़ाना चाहिए। फिर वह रणदीप सुरजेवाले के भी यूं सिस्टम था इसका कि भाई वो क्यों करा रहे, वो तो वो फार्मूला, और मुझे कोई एक आदमी यूं बोला जी आप मिनिस्टर नहीं बनाए इसलिए आपको तकलीफ है जी, मैंने कहा भाई तकलीफ मेरे वो नहीं है, मुझे तकलीफ है जिन लोगों ने कैप्टन हराया, इतना शक्तिशाली आदमी अरबपति आदमी जी, और खट्टर साहब के बाद दूसरे नंबर का आदमी,
बिल्कुल, उसको हराया। लोगों की मेरे से बहुत इच्छाएं हैं, वो चाहते हैं राम कुमार गौतम कैप्टन अभिमन्यु से ज्यादा अच्छा और बढ़िया काम करे। एक तो मेरे को ये टीस है जी। दूसरी बात, उन्होंने समझौता कर लिया मेरे विरोधी से, हल्का कह दिया नारणों दब तेरा, मेरे को ये दे दे 11, भगवान जाने और क्या लिया है। लेकिन बाकायदा इसके पिताजी ने, अजय चौटाला ने, और इसने और इनने, सारे परिवार ने उससे समझौता कर लिया, नहीं हुई कोई कहा सुनी नहीं हुई। उस दिन हमने, हमारे को उसने बुलाया था नाश्ते पे जी। मैं तो उससे पहले से ही नाराज हो चुका था जी। लेकिन बालक कहने लगे कि जी जाया, वो मैं चला गया, मुझे पता था के कर्म करेगा जी। तो नाश्ता नुस्ते के बाद माँ बतावे कैसे बुलाया था राजीव, बस ये चार दलित है, इनमें से एक मंत्री बनाना है आज, ये कहना था जी। बाकी महीने दो महीने में फिर एक मंत्री और बनाएंगे, वो मंत्री भी इंडिपेंडेंट चार्ज का होगा, लेकिन मंत्री जैसा ही होगा। ये कह के बोला जी, अब मुझे चीफ मिनिस्टर ने बुलाया है और हमने इकट्ठा जाना है ओथ पे। मैं के धार लेने जाऊं था ओथ पे, जिस साली उसम मरा सीरे नहीं। और फिर दूसरी बात, मुझे जब ये पता लग लिया कि भाई हल्का बेच दिया इसने मारा, अच्छा जी। वो दर्द था मेरे, वो तो बालक हैं, कहने लगे जी चले जाओ कोई बात नहीं। मैं चला गया, मुझे पता लग चुका था जब तक सारी बात। मेरा कैप्टन अभिमन्यु से भी के विरोध था, मेरी तो बाप की तरह इज्जत करता है, लेकिन पॉलिटिक्स से भाई क्यों नहीं रहूंगा, मैं ले खुद का बना हुआ, किसी का दोस्त नहीं है। अरे किसी का एहसान थोड़ी है एमएलए बनाने में मेरे को जी। मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, हरे एमएलए की मदद कर रखी है, मदद ले रखी है, अगर इसकी ऑफ कोर्स इनकी मदद नहीं होती तो मैं एमएलए नहीं बनता, ना मैं इलेक्शन लड़ू जी। मैं एमएलए बनाया हूं, मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रखा है भाई, और इसको शर्म नहीं आती। 8 MLA नानूब दानक को कुछ दिया, 7 MLA जिनका अपना वजूद है वो इसके मुंह कान देखते हंड, वो रह रहा कर दे हंड, ट्रांसफर करियो जी फलाना जी, इसको शर्म नहीं आती, काल का बालक बताओ। और इतनी बड़ी ताकत थी इसमें, अपने घर से क्यों नहीं लड़ा, वहां से क्यों बाक्य आए सरसा जिले से, क्योंकि उनने परख रखा है इनको, और भरदा ही नहीं। कमाल तो ये है, इसके बाबू पे मुकदमा चले आए से अधिक संपत्ति का, इसके दादे पे चले, सीखे ही नहीं फिर भी कुछ भी। हर आदमी जानता है जब आदमी आता है खाली हाथ आता है, जाता है तो भी खाली हाथ जाता है। वो नहीं था मोहम्मद गजनवी, ये तो खोपर मोहम्मद गजनवी हो रहे, सारा माल लूट कर वह मौलवी बुला लिए, कहने लगा इसको मैं आगे जब मनाऊ, जब आ गया यूं बोला आगे मैं इसको कैसे ले जा सकता हूं, विधि बताओ, ये तो खोपर मोहम्मद गजनी हो रहे। 11 MLA विभागों का मंत्री है, ये शर्म आनी चाहिए इसको, और भी तो हैं, ये इतने लोग बन रहे हैं, नाराज है जी, खुश हैं वह, तो जाके पूछा उन पर खुश है कि धार लेने खुश होंगे, वो क्यों खुश होंगे, वो बेचारे रह रहा कर दे हंड, जाके लोगों से मेरा ट्रांसफर कर दे जी, मेरा फलाना कर दे जी, वो नहीं किसी काबिल। 5 साल के लिए एमएलए बना हूं, जब तक ऐसे हालात नहीं बनते कि पार्टी छोड़ने की नौबत आ जाए, उसी दिन एमएलए से भी इस्तीफा दूंगा और पार्टी से भी दूंगा। लेकिन क्योंकि एमएलए जो बना हूं मैं अपनी ताकत से बना हूं, जितने वोट मेरे को दिलवाए हैं उनने, उससे ज्यादा मैंने उनको दिलवाए हैं, और लोग मेरे से उम्मीद करते हैं कि हमने एमएलए बनाया है हमारे काम करे, उनके काम करूंगा जितना कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा उनका। आपने सुना कि राजनीति के इतने बड़े सीनियर नेता विधायक राम कुमार गौतम क्या बोल रहे हैं, आखिर यह सब वह क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो आपको भी समझ आ जानी चाहिए, आखिर यह माजरा क्या है।
रामकुमार गौतम यह तो मान रहे हैं कि आज तक वह गलतियां करते आए। आपने सुना, उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पार्टी का खुद जिक्र किया। उन्होंने स्वयं कहा कि उन्होंने अपनी ही पार्टी खड़ी कर दी थी, लेकिन उन्हें लोगों ने अकल सिखा दी। आखिर इतना बड़ा नेता पार्टी में ही, वो भी सीनियर होकर, अगर इस तरह के बचकाना बयान दे तो साफ संकेत मिलते हैं कि कहीं ना कहीं यह कोशिशें की जा रही है कि पार्टी संगठन के बीच कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश की जा रही है। रामकुमार गौतम के विवादित बयान को लेकर जिस तरह जेजेपी के दूसरे विधायकों ने उन्हें व्यक्तिगत विचार बताते हुए खुद को अलग कर लिया है, उससे यह भी साफ होता है कि फूट की इन कोशिशों को बल फिलहाल मिलने वाला नहीं है। तो आखिर इसका फायदा किसको मिल सकता है? हरियाणा में अब प्रमुख तीन दल ही बचे हैं, जिनमें भाजपा को 40, कांग्रेस को 31 और जेजेपी को बीते विधानसभा चुनाव में 10 सीटें मिली थी, जबकि 7 निर्दलीय भी थे और 1 सीट इनेलो के खाते में भी आई थी। आपको यह याद होगा कि हरियाणा में 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे पहले दुष्यंत चौटाला को ही सरकार बनाने की ऑफर दी थी, लेकिन दुष्यंत ने कहा था कि वह पार्टी के विधायकों के साथ बैठकर कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि एक तरह से 10 सीटें जीतने वाले जेजेपी ही किंग मेकर को भूमिका में उभर कर सामने आई थी। हुआ भी वही, आखिरकार भाजपा और जेजेपी में गठबंधन हुआ और दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। लेकिन इस बीच आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, पहले आप यह भी सुन लीजिए। फिर बयान आ रहा है सर, बयान देना और टीवी पे दिखना एक अलग चीज है। अगर उनका इस्तीफा ऑफिस में आएगा तो निशांत सिंह जी हमारी तरफ से अधिकृत हैं, वो उसके ऊपर विचार विमर्श भी कर सकते हैं। और अगर मैं उनकी बातों का बुरा मानने लग जाऊंगा तो फिर मुझे लगता है कि मेरे जो 7 विधायक गण हैं, कहीं ना कहीं फिर मैं उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम करूं। लेकिन सर, जो उनके आरोप है, आप उनका बुरा भले ही ना माने, एम्बियंस मॉल में एक सेटिंग की बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के लिए चुनाव लड़ाने, तो इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? मैं वही चीज कल बोल के हटा था कि उनकी बातों पर मैं टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है। और आज हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में, कैप्टन अभिमन्यु सरकार के पहले हिस्से थे, आज उनके डिपार्टमेंट्स मेरे पास है, उसके बावजूद भी मेरी उनके आज तक मुलाकात नहीं हुई। मगर उनने जो बात कही है, किस इच्छा से कही है, किस सोच के साथ कही है, वो आकर मेरे से मिलकर वो बात बताए जरूर। अगर उसके अंदर मेरी कमी रहेगी तो मैं सुधारूंगा, और अगर उनकी कोई भावनाओं को ठेस पहुंची हुई उसको सुधारूंगा। वो कहते मैं मंत्री बनता तो कैप्टन अभिमन्यु की जगह कंपनसेट। अगर मंत्री बनने की इच्छा ही सब कुछ आदमी के मन में है तो फिर मेरे को लगता है संगठन प्राथमिक है। संगठन को आगे बढ़ाना, प्रदेश को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। आपने सुना कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा कि रामकुमार गौतम को विश्वास में लेकर ही भाजपा से गठबंधन किया था। फिर क्या वजह है कि रामकुमार गौतम अचानक से आग बबूला हो गए? दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला के विधायक बनने से लेकर बड़ी सेटिंग करने के बड़े बड़े आरोप गौतम दुष्यंत चौटाला पर लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस तोड़फोड़ के पीछे कांग्रेस कोई साजिश रच रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र का फॉर्मूला यहां अपनाए जाने की कोशिशें की जा रही हूं? फिलहाल कांग्रेस की यदि ऐसी कोशिश है तो वह फिलहाल तो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। हां, लेकिन रामकुमार गौतम के इन बयानों से दुष्यंत चौटाला पर अपने विधायकों को एकजुट करने का दबाव बढ़ चला है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भाजपा पर भी दबाव बनाना चाहिए कि वह अपने ही विधायकों को मंत्री पद अथवा चेयरमैन का पद दिलवाकर विधायकों को एडजस्ट करे। दुष्यंत चौटाला के पास जनता से जुड़े सीधे 11 विभाग हैं। यदि वह अपने कुछ विभाग अपने ही विधायकों में आवंटित कर देंगे तो उनके विधायक ना केवल खुश रहेंगे बल्कि विपक्ष की बाहरी ताकतों द्वारा किए जाने वाले तोड़फोड़ के मंसूबे भी धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम ने लगातार बयान जारी कर यह साबित कर दिया है कि वह लंबे समय तक किसी के साथ भी टिक कर नहीं रह सकते, क्योंकि जिस पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा बड़ा पद मिला हो, जिन्हें दुष्यंत दादा कहकर बुलाते हो, यदि ऐसे नेता भी यह कहे कि वह दुष्यंत से मिलेंगे नहीं या फिर वह दुष्यंत को ही मोहम्मद गजनवी जैसा ओहदा देने लगे, तो ऐसे नेताओं का संकीर्ण मानसिकता का अंदाजा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।